5 आज हम शुरू करेंगे। तो लेसन शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन, नोटिफिकेशन का बटन जो है वो ऑन कर दीजिए। और जिन्होंने पहले सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, आज हम लोगों ने जो सीरा है उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट डेट उसका 45 लेसन है, आर्टिकल 7। अब इसमें जो वही ज़्यादातर के कैसे कैसे हम लोग जो है एजेंडा उन्होंने पेश किया, कैसे कैसे किस किस जगह पे हम लोग ऐसे अप्रोप्रिएट मेजर्स लाएंगे, कैसे क्या क्या चीज़ें कर, क्या क्या इकदाम उठाएंगे कि वुमेन के और मेन की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म की जाए। आर्टिकल 7 को देख लेते हैं। आर्टिकल 7 ये ऊपर जो ये जो लाइन्स लिखी हैं थ्री लाइन्स या फोर लाइन्स, इसमें वही होता है ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए ये रूल्स अदा किए हैं। वो अब हम लोग पार्ट ए में देखते हैं कि वो इलेक्शंस में वोट कर सकें और उनके पास एलिजिबल हों वो हर बेशक वो पब्लिकली इलेक्टेड बॉडीज़ में भी इलेक्शंस में वो अपना रोल अदा कर सकें, वो उनके पास हक हो कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज में पार्टिसिपेट कर सकें और उनको इम्प्लीमेंट करने में भी पार्टिसिपेट कर सकें और पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें हर लेवल पे गवर्नमेंट के, और वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी और एसोसिएशन में भी काम कर सकें, उनका पूरा हक हो। पॉलिटिकल लाइफ में भी, पॉलिटिकल जो है उनके उसमें पॉलिटिकल अफेयर्स में भी वो अपना काम कर सकें। आर्टिकल 8 में क्या कहते हैं, अब ये जो आर्टिकल्स हैं इनको आपने जो है ना वो मतलब के कहते हैं ना क्रैमिंग, रट्टा कर लेना है कि इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है। खैर ऐसे इतने ज़्यादा ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कर लीजिएगा क्योंकि मेरी दफ़ा तो नहीं आए थे। आर्टिकल 8 में क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 8 में भी वही ऊपर बात है कि अप्रोप्रिएट मेजर्स हों डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए। आर्टिकल 8 में कहते हैं कि उनके पास ऊपर इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो गवर्नमेंट लेवल्स में एज इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर सकें और वो अपना काम दिखा सकें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनली हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। आर्टिकल 9 में क्या कह रहे हैं कि जो वुमेन हैं उनके पास इक्वल राइट हो आदमियों की तरह कि वो अपनी जो नेशनैलिटी है वो चेंज कर सकें या रिटेन कर सकें, या मतलब रिटेन ख़त्म कर सकें अगर उनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी है तो एक नेशनैलिटी वो ख़त्म कर सकती हैं और उनके पर उनका हस्बैंड जो है वो फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपनी नेशनैलिटी चेंज करें, और स्टेट पार्टीज़ को वुमेन को इक्वल राइट देने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द नेशनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि फील्ड ऑफ एजुकेशन में उनकी जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको कैसे ख़त्म करेंगे, वो हम लोग अब नीचे देखते हैं कि उनके करियर में उनके वोकेशनल गाइडेंस में सेम कंडीशंस हों जैसे कि आदमियों में होती हैं, उनको सेम टाइप के डिप्लोमास मिलें, उनको जो पढ़ाने वाला करिकुलम है, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, स्कूल हैं, टेक्निकल प्रोफेशंस हैं, हायर टेक्निकल एजुकेशन है, सारी सेम हो। स्टीरियोटाइप कंसेप्ट ऑफ रोल, जो भी स्टीरियोटाइप कंसेप्ट हैं जो कि आदमी और औरतों के डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं कि ये एजुकेशन आदमी ले सकता है, ये जो डिग्री है ये औरत ले सकती है, तो वो भी ख़त्म की जाए और वो हर तरह की डिग्री पढ़ सके, हर तरह के जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सके, सेम अपॉर्चुनिटीज़ हों स्कॉलरशिप्स की भी और हर प्रोग्राम को वो एसेस कर सकें। वही बात मैंने ऊपर जो की है एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए, हर तरह के पास उनके पास लिटरेसी प्रोग्राम्स हो, जो भी फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है देती है लिटरेसी प्रोग्राम्स, कोई स्कॉलरशिप देती है, कुछ देती है, तो वो दोनों जैसे कि लैपटॉप एक स्कीम है पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम, तो वो दोनों में मतलब मैं कोई एग्जांपल दिए तो वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। फीमेल स्टूडेंट का जो ड्रॉप आउट रेट्स है उसको ख़त्म किया जाए और फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें फिज़िकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, एसेस टू स्पेसिफिक एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में भी उनकी उनको एसेस मिले, हेल्थ और वेलबींग को इनके इंश्योर किया जाए, इनको इंफॉर्मेशन दी जाए, एडवाइस एंड फैमिली प्लानिंग करी जाए। आर्टिकल 7 में क्या कह रहे हैं, अब ये आर्टिकल 7 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, आप सिर्फ ये बात याद कर लेना कि आर्टिकल 7 एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, आर्टिकल 10 एजुकेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 9 नेशनैलिटी से रिलेटेड है, तो इस तरह आपको ये याद हो जाएंगे छोटे छोटे पॉइंट्स पर, तो अपनी तरफ से डाल लें कुछ भी।
ये तो पता ही है हमें। आर्टिकल 11 क्या कह रहा है? आर्टिकल 11 है एम्प्लॉयमेंट पे, राइट टू वर्क, हर एक औरत का, ह्यूमन बीइंग्स का ये जो है ना राइट टू वर्क है, और उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। और उनके पास अगर कोई क्राइटेरिया है, किसी में कह रहे हैं कि ये आदमी के लिए स्पेसिफिकली फॉर मैन, नहीं ये नहीं लिखना चाहिए, आपको दोनों दो जो क्राइटेरिया है वो दोनों के लिए हो। और उनके पास राइट हो फ्री चॉइस ऑफ प्रोफेशन के, वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकता। खैर पाकिस्तान में तो क्या नाम है, औरतों को क्या, आदमियों को भी अपना प्रोफेशन चूज़ करने की इजाज़त ही नहीं होती, मतलब उनके माँ बाप भी उन पर फोर्स कर देते हैं कि नहीं तुम ये बनोगे वो बनोगे। खैर इसको छोड़ें, अब हम आर्टिकल 7 की तरफ आते हैं। उनके पास राइट हो प्रमोशन का, जिस तरह के आदमियों के पास होता है, जॉब सिक्योरिटी का, ऑल बेनिफिट, जो भी बेनिफिट्स के एक इंसान एक अदर मैं जेंडर को मिलते हैं, वही फीमेल जेंडर को भी मिले, उनको बेनिफिट्स मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, रिम्यूनरेशन मिले, इक्वल वैल्यू मिले, उनके काम को सराहा जाए, उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिले, रिटायरमेंट के केस में उनको जो भी मिलती है रिटायरमेंट की तनख्वाह वगैरह वो मिले, ओल्ड एज में जो भी है अगर वो उनके पास इनकेपेबिलिटी नहीं है तो काम कर सकें, तो उनके पास एक राइट हो पेड लीव का ओल्ड एज में, या मैटरनिटी लीव भी मिल जाती है, राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी टू इन वर्किंग कंडीशन, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मैरिज और मैटरनिटी। अब मैरिज एंड मैटरनिटी का है, उनके पास इक्वल राइट्स हों, इफेक्टिव राइट्स हों, वो अगर उनकी प्रेगनेंसी हो या मैटरनल लीव दें उनको, और उनको फिर जो है ना उनकी लीव पे सैलरी वगैरह ना काटी जाए, और उनको प्रेगनेंसी पे या मैटरनिटी की वजह से उनको ये ना हो कि हायर ही ना किया जाए जॉब्स पे, ऐसा ना करें, मैटरनिटी लीव्स इंट्रोड्यूस कराएं विदाउट लॉस, कोई भी लॉस उनको उसमें लॉस ना हो, सैलरी का भी ना लॉस हो और एम्प्लॉयमेंट का भी लॉस ना हो। इनकरेज द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी सपोर्टिंग सोशल सर्विसेज हों टू इनेबल पेरेंट्स टू कन्फाइन फैमिली ऑब्लिगेशन फैमिली विद वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने घर के साथ साथ अपने काम को भी देखें और अपने बच्चों को भी टेक केयर करें। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन टाइप्स ऑफ वर्क प्रूव टू बी हार्मफुल टू दैम, प्रेगनेंसी में अगर कोई काम जो है वो उनके मतलब हार्मफुल हो उनकी सेहत के लिए, तो वो काम जो है ना करवाया जाए। आर्टिकल 12 क्या कहता है? हेल्थ केयर इन ऑर्डर टू इंश्योर और एलिमिनेट कह रहे हैं हेल्थ केयर, फील्ड ऑफ हेल्थ केयर की बात आ रही है इसमें, टू इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑन बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग में इक्वल राइट मिले, अप्रोप्रिएट सर्विस इन प्रेगनेंसी में जो भी पोस्ट नेटल पीरियड में फ्री सर्विस उनको ग्रांट की जाए, एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? ये है वो जब वो बेनिफिट्स मिलते हैं बैंक से, राइट ऑफ फैमिली थ्रू फैमिली बेनिफिट्स हों, इकनॉमिक बेसिकली इकनॉमिक है, इकनॉमिक एंड सोशल ऑर्डर इन लाइफ, और मोर्टेजेस लोन्स वगैरह मिल जाए बैंक से, अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिट मिले, राइट टू बैंक, राइट टू पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशन जो कि अफरा तफरी के जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें उनको पार्टिसिपेशन का राइट हो, स्पोर्ट्स में हो और हर जो भी कल्चरल लाइफ में जो भी हो उनको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। आर्टिकल 14 क्या कहता है? जो भी रूरल एरियाज में रहती हैं औरतें उनको उनके काम को सराहा जाए और उनको भी उनके प्रॉब्लम्स को देखा जाए और वो भी वैसे ही इकनॉमिकली अपनी जो है मदद देती हैं पूरे कंट्री को, जैसे कि रूरल एरियाज़ में जो औरतें होती हैं वो गांव देहातों में काम करती हैं। शेल स्टेट पार्टीज शेल टेक ऑल अप्रोप्रिएट मेजर टू, वो हर जो स्टेट पार्टीज़ हैं उनको हर तरह के मेजर इकदाम उठाने चाहिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए रूरल एरियाज़ में भी, ताकि मैन और वुमेन की जो इक्वलिटी है उनको उनको सिक्योर किया जाए मैन और वुमेन को। अब ये आगे आ रहा है एलेबोरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट, औरतों को देखा जाए उनके पास राइट हो वो इम्प्लीमेंट भी कर सकें और एलेबोरेट भी कर सकें डेवलपमेंट प्लानिंग में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हों, इंफॉर्मेशन फैसिलिटीज़ हों, काउंसलिंग एंड सर्विसेज इन फैमिली प्लानिंग टू बेनिफिट, वो बेनिफिट ले हासिल कर सकें सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम में से, हर तरह की ट्रेनिंग ले सकें, एजुकेशन ले सकें, फॉर्मल हो नॉन फॉर्मल हो,
लिटरेसी, मतलब लिटरेसी एजुकेशन को कहते हैं। हर तरह की उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एम्प्लॉयमेंट में उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिले जो ऊपर हमने पढ़ चुके हैं। तो हर कम्युनिटी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर सकें, बेशक वो कल्चरल हो, बेशक वो फिजिकल हो, स्पोर्टी हो। टू हैव एसेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड लोन्स, इनमें भी उनके पास एसेस हो, जो कि गाँव देहातों में औरतें काम करती हैं उनको एग्रीकल्चर का काम करती हैं उसमें उनको लोन ले सकें, क्रेडिट ले सकें। मार्केटिंग फैसिलिटीज़ हो, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो उनके पास, इक्वल ट्रीटमेंट इन लैंड एंड एग्रेरियन रिफॉर्म, उसमें उनमें इनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। टू इंजॉय एडुकेट लिविंग कंडीशन, अच्छे लिविंग कंडीशन भी हो उनके पास, साफ सुथरा घर हो, सैनिटेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सब कुछ हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। अगर अपनी राय का इजहार कीजिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।